मनीष प्रजापति और आप देख रहे हैं मनीष टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में गणेश महोत्सव का माहौल बना हुआ है, जहां देखो वहां लोग अपने घर बाजारों से मूर्तियां घर लाकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। मगर आपको पता है जो हम गणेश जी की मूर्ति अपने घर लेके आ रहे हैं, आखिर उसके क्या क्या नुकसान हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं उनके कुछ नुकसान और कुछ उपाय भी। ये त्यौहार साल में एक बार आता है, जिसका इंतजार लोग बेसब्री से करते हैं। गणपति उत्सव के कुछ महीने पहले से ही बाजार सज जाते हैं। त्यौहार के आते आते गणपति पूजा अर्चना के सामान बाजार में बिकना शुरू हो जाता है। जगह जगह गणेश जी की मूर्तियां बिकने लगती हैं। लोग बप्पा को घर में विराजमान कर पूजा अर्चना में रम जाते हैं। त्यौहार मनाते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि इस फेस्टिवल से पर्यावरण को नुकसान भी होता है। गणेश उत्सव की ही बात करें तो जो घर में हम रंग बिरंगी मूर्ति लाते हैं, उससे हमें और हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। हम रंग बिरंगी मनमोहक मूर्तियों से आकर्षित तो हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि मूर्ति बनाते वक्त मूर्तिकार इसे बनाने में कितने जहरीली सामग्री का इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर बाजार में मिलने वाली मूर्तियाँ POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं, जो पानी में जल्दी नहीं घुलती हैं। POP से बनी मूर्तियाँ जब पानी में जाती हैं, फिर उसके बाद सूरज की गर्मी पड़ने से POP में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद जहरीली गैस निकलने लगती है और इस जहरीली गैस से सबसे पहले पानी में रह रहे जीवों पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से ये जीव मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं या यूँ कहें कि इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा POP की वजह से पानी प्रदूषित हो जाता है। हम आप ये पानी पी भी नहीं सकते। अगर आपने गलती से भी ये पानी पी लिया तो आप गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। सिर्फ POP ही नहीं, इन मूर्ति को सजाने में जो रसायन का इस्तेमाल होता है वो भी पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होता है। जैसे कलर, ऑयल पेंट, ये तो पर्यावरण के लिए, खास करके पानी के लिए बहुत खतरनाक होता है। ऑयल पेंट के अलावा मूर्तियों में लगाए जाने वाले रंग बिरंगे रंगों में भी कई तरह के केमिकल पाए जाते हैं, जिनमें लेड, मरकरी जैसे खतरनाक पदार्थ मौजूद होते हैं। ये रंग जल में घुलकर जल जीवन के साथ साथ पानी में मौजूद पोषक तत्व को भी ख़त्म कर देते हैं। सर, गणेश उत्सव चल रहा है और ऐसे में बाजारों में बहुत सी गणेश जी की मूर्तियाँ आ रही हैं और कहा जा रहा है कि इसमें कुछ नुकसान देने वाली मूर्तियाँ भी है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं गणेश जो चतुर्दशी है, गणेश उत्सव चल रहा है आजकल, उसके लिए आपके दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। गणेश भगवान को देवताओं में सबसे प्रथम पूज्य देवता माना जाता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो इस समय हम गणेश भगवान का पूजा पाठ करते हैं और बाद में जो विसर्जन करते हैं, विसर्जन नदियों में किया जाता है, तो वहाँ पर जो नदी का जल होता है वो प्रदूषित ना होने पाए, इसकी जिम्मेदारी भी हम ही लोगों पर है। और गणेश भगवान बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके नाम पर जो है प्रदूषण फैलाया जाए, या जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियाँ हैं उनको जो है नदी में विसर्जित किया जाए। उससे क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं, जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उनकी जो है सेहत पर भी उसका असर पड़ता है। उस प्लास्टर ऑफ पेरिस की पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है और ना वो पूरी तरीके से घुलता है जो नदी के जल होता है उसमें, तो कहीं ना कहीं वो जलीय जंतुओं पर, खासतौर पर मछलियों पर उसका जो है बहुत बुरा असर पड़ता है। विसर्जन के दौरान हम मूर्तियों को नदी, तालाब और समुद्र में लेकर जाते हैं। ये मूर्तियाँ पानी में जाते ही जल प्रदूषण को बढ़ा देती है, जिससे शुद्ध जल का स्रोत धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, जिससे पर्यावरण पर गहरा संकट मंडरा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गणेश चतुर्थी मनाना बंद कर दें, हम बस ये कह रहे हैं कि आप बस अपना तरीका बदल दें जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। जिस तरह से बाजारों में POP से बनी मूर्तियां मिल रही हैं, उसी प्रकार से इको फ्रेंडली मूर्ति भी बाजारों में उपलब्ध है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। आपको बता दें कि इको फ्रेंडली मूर्ति जो कि POP के बजाय नेचुरल मिट्टी से बनी होती है, जो कि जल के संपर्क में आने के कुछ मिनटों में ही घुल जाती है, जिसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये देखिए, जब आप इको फ्रेंडली मूर्तियां लेने बाजार में जाते हैं तो वहां पर वो इसी बात से ही उन मूर्तियों की बिक्री होती है कि ये इको फ्रेंडली है और इसमें किसी तरह से किसी प्रकार का हानिकारक केमिकल पदार्थ प्रयोग नहीं किए गए हैं।
आजकल तो ऐसी ऐसी मूर्तियां भी बाजारों में उपलब्ध हैं जिनमें मूर्तिकार तुलसी के बीज मूर्ति में बनाते वक्त रख देता है ताकि मूर्ति जल में जब घुल जाए तो उससे एक पौधा उग जाए। इसके अलावा अगर आपने पीओपी से बनी मूर्ति घर ले आए हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस मूर्ति को तालाब, नदी व समुद्र के बजाय अपने घर में रखे टब में उस मूर्ति का विसर्जन कर दें। इससे जल में गणपति बप्पा का विसर्जन भी हो जाएगा और पर्यावरण का नुकसान होने से भी बच जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग पीओपी जैसी मूर्तियों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे और इको फ्रेंडली जैसी मूर्तियों का इस्तेमाल करेंगे ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। आगे भी हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और देखते रहिए मनीष टीवी। कैमरामैन नवदीप के साथ में मैं मनीष प्रजापति, मनीष टीवी, न्यू दिल्ली।